नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन कर त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की सीओ ने अपील की। आपको बता दें कि बुधवार को नगर कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ ठाकुर के नेतृत्व में अमन शांति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं सहित नगर के गणमान्य लोगों और ग्राम प्रधानों समेत अन्य लोगों को बुलाया गया, जिसमें सभी ने अपने विचारों को साझा किया। जहां परिसर में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, वहीं क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ ठाकुर ने बताया कि आगामी दशहरा, दीपावली व बारहफात आदि त्योहार आ रहे हैं, जिनको शांतिपूर्ण मनाने के प्रति सभी लोगों को बुलाकर उनकी रूपरेखा तैयार कराई गई। हमारी पीस कमेटी की मीटिंग थी, थाने पर बुलाई गई थी। ये हमारी हिंदू और मुस्लिम इस वक्त दोनों त्यौहार आने वाले हैं। एक तो हमारा रामलीला है, मतलब दशहरा, और दूसरा मुस्लिमों का बारह वफात है। इस और प्लस हमारे पूरे प्रदेश में जो किसान यूनियन का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, उसे संबंधित था। इसमें हमने सबसे यही गुजारिश की रही है कि इन त्योहारों को शांति से मनाना है, और हमें सब तरीके से इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम ये सारा त्यौहार जो है अपने क्षेत्र में शांति और अमन से ही मनाएंगे। ये तो हमें कल इंस्पेक्टर साहब का फोन पहुंचा था, आप 11:30 बजे हसनपुर आ जाना कोतवाली में, क्या मामला? बोले साहब ऐसी मीटिंग है, तो हम वहाँ पर आए। हम तो अपने प्रचार करते फिर देते अपने 17 तारीख का, लेकिन आना यहाँ भी जरूरत है। जब इस वक्त आपका फोन पहुँचा था तो यहाँ आकर हमने देखा भाई कई चीज़ बोले, अमन कमेटी की मीटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया। अब जैसे दशहरा का त्यौहार आ रहा है, फिर उससे दीपावली है, भैया दूज है, तो इसी को लेकर के बोले आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो एक बड़े प्यार से, चाहे हिंदू का त्यौहार हो मुस्लिम का त्यौहार हो, एक भाईचारे से मनाया जाता है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होती। और उसके बाद में बड़े प्यार मोहब्बत से दोनों जातियाँ सारी कौम एक जगह मिलकर मनाती है, हमारे कोई किसी विद्रोह नहीं है। ये बात हमने इनसे बता दी। अमरोहा के हसनपुर नगर में स्वच्छता प्रेरक ने सरकारी ट्यूबवेल का फीता काटकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि बुधवार को शाम के समय नगर के ब्लॉक परिसर के नजदीक पालिका के सरकारी ट्यूबवेल सूख जाने के कारण नगर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही थी, जिसमें चेयरमैन पति व स्वच्छता प्रेरक शादाब खान टाटा ने उसका फीता काटकर रिबोर कराए जाने के लिए शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल रिबोर की गहराई 700 फुट होगी तथा ट्यूबवेल का पानी आरओ से भी बेहतर मिलेगा। ये हमारा ट्यूबवेल करीबन 5 साल से बंद पड़ा था, और इससे शहर में लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत थी। काफ़ी लोग मुझसे कहते थे, और मैंने ये कोशिश करके, क्योंकि काफ़ी मैं 30 लाख की लागत तकरीबन आ रही थी, तो ये काफ़ी दिन से मैं इसके उसमें था लगा हुआ कि ये किस जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी हमारे 2 ट्यूबवेल शहर में चलते हैं, और उनसे पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाता पानी, कहीं पर थोड़ा प्रेशर कम आता भी है, लेकिन इंशाल्लाह जिस वक्त ये वाला ट्यूबवेल चालू हो जाएगा, ये हमारा बोर स्टार्ट हो गया, तो पूरे शहर में सही प्रेशर आएगा। जो गंदा गलत पानी अगर चला भी जाता था, वो कुछ पाइप वो थे जो हमारे पुराने भी हो गए, उसमें भी जो है पानी की सप्लाई बिल्कुल बढ़िया आएगी। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो लोग बेचारे परेशान रहते थे, जिनके आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे बहुत से नहीं हैं कि जो समरसेबल कराएँ। अमरोहा के सैद नगली में आगामी त्योहारों को लेकर बुधवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने आने वाले प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन चौकस है, आगामी त्योहार दशहरा, 12 रबीउल अव्वल, दीपावली आदि के किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। यदि किसी ने भी किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बैठक में आए अभिनव कौशिक, भाजपा के जिला महामंत्री, ने लोगों से क्षेत्र की समस्या ये आगामी त्योहारों को लेकर अमन कमेटी की बैठक आज यहाँ थाने में हुई है। उसके संबंध में क्षेत्र के सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे आसपास के प्रधान हैं और जो सम्मानित लोग हैं, सभी को यहाँ बुलाया गया था थाने में, और सबके सुझाव और आगामी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मने। 12 वफात का त्यौहार है और दशहरे का त्यौहार है, तो सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर ये सभी शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। वैसे सैद नगली अमन शांति के लिए पहले से जाना जाता है, तो सभी से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से आगामी त्यौहार मनाएं।